बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम की तारीख में पहली बार एक अनोखा वाक्या पेश आया और इशा की अजान में एक मौजन के बजाय दो मौजनों ने अजान मुकम्मल की। शेख अली अहमदुल मालिक की गुज़श्ता चार अशरों से मस्जिदुल हराम के मौजन चले आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इन्हें बिलाल और हराम लकब से भी याद किया जाता है। तफसीलात के मुताबिक मस्जिदुल हराम में नमाजों और इबादत की दीगर इश्कार के साथ साथ आजान को भी खसूसी अहमियत और एहतमाम का दर्जा हासिल है। मस्जिदुल हराम के मौजन अली अहमदुल मालिक की इशा की अजान के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसकी फौरी बाद ही मावन मौजन ने माइक संभाल लिया और अजान मुकम्मल की। ऐसा मस्जिदुल हराम की तारीख में पहली बार हुआ है जब मस्जिदुल हराम की अजान एक मौजन के बजाय दो मौजनों ने मुकम्मल की हो। सऊदीया मीडिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम में अजान के मुकर्रर निज़ाम के मुताबिक जिस मौजन की पारी होती है वो अजान से एक घंटा कबल मस्जिद में मौजूद होता है। हर नमाज मुस्तकिल मौजन के साथ एक मावन मौजन भी मौजूद होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के फ्री में मेंबर बन जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।